सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स आई होप यू आर डूइंग वेल लास्ट प्रैक्टिस सेट था 5.2 जिसमें हमने एक फॉर्मूला किया था a प्लस बी होल क्यूब वो क्या फॉर्मूला था इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब अब इस प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे माइनस वाला ठीक है तो फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब पूरा फॉर्मूला सेम है बस आपको पहले और आखिरी में माइनस लगाना है ठीक है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब सो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला सेम है बस आगे और पीछे माइनस लगाना है तो आपका फॉर्मूला मिल जाएगा ए माइनस बी होल क्यूब का आपको प्रैक्टिस सेट 5.3 दिया है सेम जैसा 5.2 किया था ना हमने मैं आपको दिखा देता हूँ इफ यू वांट 5.2 किया था ना इसमें प्लस वाला था फॉर्मूला इसमें आपको माइनस वाला फॉर्मूला है ठीक है सब कुछ सेम है मैं आपके लिए एक अच्छे से कर देता हूं टू एम माइनस फाइव होल क्यूब तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें मुझे ए माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है सी दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज क्यूब सो ए क्या है मेरा टू एम बी क्या है फाइव इसको हमें क्या करना है एक्सपांड एक्सपांड मतलब उसको बड़ा करना है सो ए क्या है टू एम बी क्या है फाइव ठीक है माइनस फाइव मत लिख देना क्योंकि वो तो फॉर्मूला में माइनस दिया ही है ए माइनस बी होल क्यूब सो इज दिस बी इज फाइव ठीक है सो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको डायरेक्ट मत करना माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्री ए बी स्क्तर माइनस बी क्यूब नेक्स्ट क्या है हम सब्सटीट्यूट करेंगे मतलब ए कितना है टू एम सो ए क्यूब के मतलब क्या लिखूंगा टू एम द होल क्यूब ठीक है पूरा क्यूब लगाना सिर्फ टू एम क्यूब और ब्रैकेट लगाना जरूरी है आपको ब्रैकेट मत छोड़ना माइनस थ्री ए स्क्वायर बी मतलब थ्री मल्टीप्लाईड बाई ए कितना है माइनस बी क्यूब बी कितना है? 5, मतलब 5 ठीक है? अब जरा ध्यान से देखना आई नो अगर आपने ये पिछला वीडियो अच्छे से किया है सो दिस विल बी अ केक वॉक फॉर यू केक वॉक मतलब बहुत आसान है ये चीज टू एम द होल क्यूब मतलब पहले टू का क्यूब निकालो टू को तीन बार मल्टीप्लाई करो टू टू जर फोर टू जार एट ठीक है और एम क्यूब ठीक है एम क्यूब तो लिखना ही होगा एम को भी क्यूब लगेगा माइनस इसको याद है मैंने क्या कहा था पहले स्क्वायर रहता है उसको निकालना डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना थ्री टू जार सिक्स और सिक्स का स्क्वायर मत निकालना ठीक है विल विल बी द हॉरेंडस मिस्टेक यू मेक थ्री लिखो टू एम स्क्वायर क्या होगा पहले टू का स्क्वायर टू टू जार फोर फिर एम स्क्वायर ठीक है मल्टीप्लाइड बाय फाइव वैसे यहां पे भी थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू एम मल्टीप्लाइड बाय फाइव का स्क्वायर क्या है ट्वेंटी फाइव आपको समझ में आया पहले स्क्वायर निकाल लेने का माइनस फाइव क्यूब फाइव क्यूब मतलब फाइव को तीन बार मल्टीप्लाई करो फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव समझ में आ गया अच्छे से करना एक भी अगर आपने मिस्टेक किया देन द होल सम गोज फॉर अ टॉस आपका पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें ठीक है सो डोंट डू डेट प्रैक्टिस करो आ गया आपका आंसर ए टाइम क्यूब माइनस थ्री फोर ट्वेल्व नंबर नंबर को नम्बर के साथ मल्टीप्लाई कर देने का एम स्क्स टू स्क्वायर नहीं है इसको स्क्वायर नहीं ये टू एम था ना यहाँ पे मैंने कटिंग किया स्क्वायर नहीं है ये टू एम ही लिखा है जो इधर लिखा था ना वही है ये सो थ्री टू हजार सिक्स सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव सिक्स को ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करो आपको आएगा वन फिफ्टी एम है तो एम माइनस वन ट्वेंटी फाइव अब भगवान के लिए ये चारों नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मत कर देना ठीक है बिकॉज ये एम क्यूब है ये एम है ये एम है यहाँ पे एम है ही नहीं एम के सब अलग अलग पावर है तो आप इसको ऐड सब्ट नहीं कर सकते दिस इज हाउ यू एक्सपैंड आपको क्वेश्चन में एक्सपांड करने बोला था ना ये देखो आपका एक छोटा सा सम एक्सपांड हो गया ओके क्वेश्चन नंबर टू आपको खुद से करना है क्वेश्चन नंबर थ्री आपको खुद से करना है दिस इज यार ए दिस इज यार बी सो ए माइनस बी होल क्यूब ज एर ए दिस इज एर बी ए माइनस बी होल्ड क्यूब ये ना दिस इज समिंग वेरी इंटरेस्टिंग मुझे अब आपको भी होगा फॉर श्योर फिफ्टी एट क्यू अब फिफ्टी एट क्यू को आप क्या कर सकते थे डायरेक्ट फिफ्टी एट मे पे फिफ्टी एट मे फिफ्टी एट आंसर खत्म बट दैट नॉट द वे आपको सीधा जीरो देंगे टीचर बिकॉज हमको इसमें फॉर्मूला लगाना है सो so, मैं फिफ्टी एट को सिक्सटी माइनस टू लिख सकता हूं फिफ्टी एट को सिक्सटी माइनस टू लिख सकता हूं क्योंकि सिक्सटी में से टू निकाल दो कितना बचा फिफ्टी एट ठीक है सो मैंने वही किया है फिफ्टी एट क्यूब को सॉरी सिक्सटी माइनस टू होल क्यूब लिख दिया ठीक है सो अब देख सकते हो ये मेरा फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी होल क्यूब ए कितना है सिक्सटी बी कितना है टू फॉर्मूला लिखा सब वैल्यूज सब्सटीट्यूट करना है ठीक है ये फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करो ए क्यूब मतलब सिक्सटी को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना आएगा थ्री ए स्क्वायर बी पहले स्क्वायर निकालो yes गुड पहले स्क्वायर निकालना है तो थ्री मल्टीप्लाई बाय होता है मल्टीप्लाई बाय टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू जार फोर स्क्वायर है ना इसलिए मैंने पहले स्क्वायर निकाल लिया माइनस टू क्यूब मतलब टू को तीन बार मल्टीप्लाई करो टू टू हजार फोर फोर टू हजार एट ट्वेंटी सॉरी टू लैख सिक्सटीन थाउजेंड माइनस ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो अच्छे से तो ये आएगा प्लस है तो प्लस ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा माइनस एट अब यहाँ पे आप डायरेक्ट एड सब कर सकते हो इसमें एम एक्स वाई दुनिया भर का कोई भी लेटर नहीं है इसमें सुबिंदास पहले ये दो नंबर को माइनस करो जो आंसर आएगा इससे प्लस करो जो आंसर आएगा इससे एट से माइनस कर दो ठीक है ये दोनों को पहले माइनस करने का फिर इसको इस नंबर से प्लस करने का इससे माइनस करने का आपको आंसर आ जाएगा वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ओके क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन एट आपको करना है अच्छा स्टूडेंट्स आप सोच रहे कि मैं आपको एक क्यों करने बोलता हूँ <coughs> मान लो मैं चलो सब समझ कर दू लेकिन इसमें आपका क्या एफर्ट्स रहेगा बहुत बच्चे ऐसे रहेंगे जो तो सिर्फ इसको कॉपी कौ पेस्ट कर लेंगे मतलब छाप लेंगे आपकी भाषा में सो सर इज नॉट द राइट वे टू डू ठीक है अगर आप खुद से करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपको कितना सही आ रहा है कहीं पे गलत जा रहे हो तो आई एम देयर टू हेल्प यू डोंट वरी मुझे पूछो ना मैं आपको हेल्प करूंगा सो दैट्स द रीजन मैं आप लोगों को क्यों खुद से भी करने बोलता हूँ कि खुद से करोगे तो आपका दिमाग फंक्शन करेगा और आपको आंसर आएगा एंड आई नो आपको आएगा कहीं okay, प्रॉब्लम है सो नो वरीज आई एम देयर बिथ यू ओके आई विल हेल्प यू आउट मैं सिखा देता हूं वन uh, नाइनटी को कैसे लिखेंगे टू हंड्रेड माइनस टू ठीक है सो ए माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगा देने का यहां पे ए आपका टू पी है बी कितना है वन अपॉइंट टू पी ए माइनस बी होल क्यूब यहां पे ए कितना है वन बी कितना है वन अपॉन ए ए माइनस बी होल क्यूब ये ए है थ्री थ्री अपॉन एक्स बी है ए माइनस बी होल क्यूब समझ में आ गया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम हम ऐसा चीज कर चुके है। दिख हैं दिख रहा है आपको ये प्लस में था और ये चीज आपका माइनस में है तो बहुत केयरफुली कॉशियसली करना मिस्टेक्स नहीं करना अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर टू करू करूंगा अगली वीडियो में